आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब धर्म सिंह सैनी ने दिया योगी कैबिनेट से इस्तीफा। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव बोले मेला होबे। कुलगाम मुठभेड़ में मारा गया जैश का खोखार आतंकी बाबर, 2018 से ही आतंकी वारदातों में था शामिल। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 216 दिनों के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को किया गया जारी। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट का मामला, गृह मंत्रालय ने एनएलए को सौंपी है रिपोर्ट। खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने जैसा पहले ही कहा था कि इस बार हम 50% महिलाएं प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे, उसी प्रतिज्ञा को जारी रखते हुए प्रियंका गांधी ने आज जारी किए गए 125 प्रत्याशियों की लिस्ट में 50% महिला कैंडिडेट्स फाइनल किए हैं। इस नेता विधानमंडल दल कांग्रेस आराधना मिश्रा का भी इसमें नाम जो है वो शामिल बताया जा रहा है। लखनऊ नगर निगम में सभासदों की नेता ममता चौधरी का नाम भी इसमें मौजूद है। और सीए एनआरसी में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जेल जाने वाली सदफ जफर का नाम भी इसमें मौजूद है। वहीं अपना नाम फाइनल होने के बाद सदफ जदर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है और अपने वायदे के अनुसार प्रियंका गांधी ने 125 लोगों की सूची में, 125 उम्मीदवारों की सूची में 50% महिला कैंडिडेट्स उतारे हैं। अहम बात यह है कि सीए एनआरसी के दौरान लड़ाई लड़ने वाली सदफ जफर को लखनऊ की मध्य सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और इस वक्त तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको लखनऊ मत से प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश या फिर भारत एक ऐसा देश, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर घर के पुरुष तय करते हैं कि महिलाएँ वोट कहाँ पर देंगी, इस भ्रांति को प्रियंका गांधी ने तोड़ा है, आपको प्रत्याशी बनाया है, कई और महिलाएं जो हैं उनको प्रत्याशी बनाया है, कैसा लग रहा है और क्या रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, ऐसे महिला का संघर्ष तो इतना ज़्यादा है, मैंने कहा कि वो मतलब जन्म लेने के लिए भी भारत में कई बच्चियाँ जो हैं वो संघर्ष करती हैं, तब से लेकर कुपोषण से लड़ती हुई, पढ़ाई के लिए लड़ती हुई, बहुत मुसीबत से वो अपनी जगह बना पाती हैं। दीदी ने संघर्ष को देखा, उसको एक्नॉलेज किया, उसको सराहा, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये 40% का ऐलान किया। वो लगातार उन तमाम महिलाओं से मिल रही थी उत्तर प्रदेश में जो इस संघर्ष के साथ जूझ रही थी, और उन तमाम महिलाओं को दीदी ने एक्नॉलेज किया और इस मकाम पे पहुंचाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर आपके साथ की और भी बहुत सी महिलाएं जो प्रवक्ता भी हैं, जो पार्टी से जुड़ी भी हुई हैं, अब उन सब का सहयोग आपको मिलेगा और आप लोग जब जनता के बीच जाएंगे तो लखनऊ मध्य में सबसे अहम समस्याएं क्या होंगी, जिन समस्याओं को लेकर जनता के बीच में आप लोग जाएंगे और ये कहेंगी कि हमें इन समस्याओं का निराकरण करेंगे, भरोसा कीजिए? देखिए, ऐसा है कि मैं उन तमाम महिलाओं के साथ, उन तमाम भाइयों के साथ उन जगह पे मैं जा भी रही हूँ, पहले से भी जा रही थी, और जो मूल मुद्दे हैं जो समझ में आते हैं और लगातार जिसको लेके लोग जूझ रहे हैं वो है बेरोज़गारी। हर घर में मतलब हर दूसरे घर में बेरोज़गारी है, ऐसा है कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, और कोरोना की वजह से लोग बेहद डरे हुए हैं कि अब फिर आ रहा है क्या होगा। पहला मुद्दा तो सबसे बड़ा यह है। दूसरा मुद्दा जो है कि सरकारी स्कूलों के बंद हो जाने की वजह से प्राइवेट स्कूलों में फीसें जा रही हैं लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्मार्टफोन्स नहीं हैं, उस मुद्दे का निवारण करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही करते हुए न सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो हाँफता नज़र आया ऑक्सीजन के बगैर। बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर कम से कम मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने मेरे सरकारी अस्पताल हैं उन तमाम अस्पतालों को आने अब सशक्त करूं, मजबूत करूं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करूं, ताकि लोगों को सस्ते में, मुफ्त में ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा मिल सके, कि कम से कम हम कर सके कैजुअल्टीज़ ना हो।
ना सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि जो सड़क पे बच्चे पैदा करती हुई महिलाएं देखी गईं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से टॉर्च की लाइट में ऑपरेशन होते हुए देखे गए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उस पर काम किया जाएगा कि ये हो सकता है गांव देहात में हुआ हो, मेरी शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उन और मोहल्ला क्लिनिक्स की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। आपने CNRC की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद आप लखीमपुर भी गई थी, और सुनने में आया था कि लखीमपुर जब आप गई थी तो आपके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। क्या क्या किस्सा था, और उसके बाद उस लड़ाई को लड़ने के बाद कांग्रेस ने भरोसा दिलाया, भरोसा जताया और आज आपको प्रत्याशी बनाया? हाँ, मैंने जब देखा कि दीदी की गाड़ी रोक ली गई है तो मैं भागी, और तो मुझे लगा कि धक्का मुक्की में शायद फ़ोन और वॉलेट गिर जाएगा, तो फ़ोन और वॉलेट दोनों मैंने गाड़ी में छोड़ दिया और दीदी की पहली टोल से गाड़ी निकल गई। लेकिन मेरी गाड़ी कहीं पीछे छूट गई थी, वो शायद इटौंजा पे जब्त हो गई थी, तो मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गई। दूसरी गाड़ी से मैं फिर वहाँ पे दीदी को अकेले जाने दिया गया और मेरी गाड़ी रोक ली गई। फिर मैं बताऊंगी नहीं कि किस तरीके से मैं निकल गई और मैं वहाँ पहुँच गई तिकुनिया। तिकुनिया जाके तब तक मुझे खबर मिली कि दीदी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो मैंने वहाँ पे लोगों को विश्वास दिलाया कि दीदी जो है वो आ रही थी और उस तरह से उनके साथ ज्यादती करके उनको रोक दिया गया है, और उनसे मिले बगैर, परिवारों से, पीड़ित परिवारों से मिले बगैर वो अपने बच्चों का मुंह नहीं देखेंगी, वापस नहीं जाएंगी, ये यकीन दिलाकर मैं आई थी। दीदी मेरे लिए जो है वो मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, जिस तरीके से वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए शुरू से अभी तक रही हैं, जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ, लेकिन उन तमाम महिलाओं से, यहाँ से लेकर बिलरियागंज तक, यहाँ से लेकर उन्नाव तक, यहाँ से लेके हाथरस तक, उन तमाम परिवार की पीड़ित महिलाओं के साथ दीदी जुड़ी रही हैं, वन ऑन वन उनसे बात करती रही हैं, उनको भरोसा दिलाती रही हैं, कई बार तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तक करती रही हैं कि भाई आप लड़िए और मैं हूँ आपके साथ, पार्टी खड़ी है आपके साथ। ये हर पार्टी में मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी में मुमकिन है। सामने ब्रजेश पाठक है, मैडम क्या कहेंगे? ब्रजेश पाठक नहीं है मेरे सामने, सिर्फ जनता और जनता के मुद्दे हैं। ब्रजेश पाठक या स्वयं योगी आदित्यनाथ भी आ जाएं तो वो मेरे लिए चुनौती नहीं है। चुनौती ये है कि मैं कैसे जनता के मुद्दे जनताओं के बीच में ले जा सकूं। बहुत खूबसूरत मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो को हमारी अभी तक तो महिलाओं के लिए आया है, युवाओं के लिए आ रहा है उस, और बहुत ज़रूरी है कि वो बातें कर रहा है वो मैनिफेस्टो, मूलभूत सुविधाओं को देने की बात कर रहा है, ज़िंदगी को आसान करने की बात कर रहा है, वो भी तब जब 4.5 साल क्या पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाई गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेरा सारी चुनौती मेरी और जनता की है, और मुझे बीजेपी से ना डर लगता है ना वो मेरे लिए चुनौती है। धन्यवाद मैडम, वो हमने देखा भी है कि आपको बीजेपी से डर नहीं लगता है। तो ये थी सदर जफर, जिन्हें लखनऊ मत से प्रत्याशी बनाया गया है, और कांग्रेस ने अपना जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में जो बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है उसमें और कितनी महिलाओं को कैंडिडेट्स बनाएगी, लेकिन अब ये लड़ाई जो है, जो प्रतिज्ञा थी वो लड़ाई के रूप में आ गई है और जमीनी स्तर पर अब ये लड़ाई होगी। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर RFC गोदाम पर SMI की मनमानी के चलते राशन डीलर परेशान हो गए हैं, और इसी चक्कर में राशन डीलर को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो हैं, फ्री राशन देने की घोषणा के बाद गेहूं चावल के साथ चना दाल नमक रिफाइंड देना उन्होंने सुनिश्चित किया है, जो कि महीने में 2 बार वितरित होना था, लेकिन राशन डीलरों के समय से रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसी वजह से राशन वितरण करने में काफी परेशानी हो रही है। जानकारी मिली कि SMI प्रदीप चौधरी की लापरवाही से खाद्यान्न उपलब्ध न होने से पहला फेज राशन वितरण का समय से नहीं हो पाया है। खाद्यान्न उपलब्ध न होने से महीने में 2 बार वितरण होने वाला मुफ्त राशन कैसे जनता तक पहुंचेगा? अब इन समस्याओं का खामियाजा राशन डीलर के साथ साथ अब जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। मुझे जो व्यवस्था है, राशन डीलरों को राशन क्यों नहीं मिलता है, जबकि माह में 2 बार खाद्यान्न उठना है, 2 बार वितरण होगा, इसमें जो प्रभावित हो रहा है क्या कारण है? मेरे पास जैसे जैसे खाद्यान्न आ रहा है सबको मिल रहा है। क्या किस तरह, कितने लोग हैं ऐसे जिनको मिल, पहली लॉट में कितने राशन डीलरों को राशन मिल रहा है? जैसे जैसे नंबर आ रहा है खाद्यान्न मिल रहा है। थैंक यू।
तो आरएफसी गोदाम में इस वक्त लापरवाही देखने को मिल रही है। राशन डीलर जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त राशन डीलर जो है जनता के क्रोध का सामना करने को मजबूर है। एसएमआई की मनमानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर कम मात्रा में जो खाद्यान्न है उसका वितरण किया जा रहा है। अब उसका खामियाजा जो है वो राशन डीलरों को भुगतना पड़ रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे मथुरा संवाददाता जीवन दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जीवन दीप, राशन डीलर इस वक्त परेशान चल रहे हैं, मथुरा में एक राशन वितरण का जो कार्यक्रम है उसमें अब लापरवाही की जो वजह है उससे ग्रामीणों के क्रोध जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्या कुछ जानकारी है? अब मैं आपको बता दूं मैडम, जो मथुरा में मथुरा का पूरा उत्तर प्रदेश में महादा जोगान कितना होगा जी, लेकिन जो इनका रजिस्टर है रजिस्टर के हिसाब से राशन डीलरों को राशन उपलब्ध नहीं होता था। जब वो गोदाम से आरक्षित गोदाम से जब राशन डीलरों को राशन उपलब्ध नहीं होगा तो पब्लिक का वितरण कैसे होगा? जी, तो वही इस पूरे मामले में है, इनकी मनमानी के चलते हुए राशन डीलरों को समय से राशन उपलब्ध नहीं होगा। जी, तो जिस तरह से इस पूरे मामले पे एसएमआई प्रदीप चौधरी की लापरवाही जो है वो उजागर होती दिखाई दे रही है, क्या कुछ कार्यवाही अब तक हुई है इस मामले पर? आपने देखा भी होगा जब इन पर बातचीत की गई तो इन्होंने देखा कि तो आईडी से अपना जवाब देते हुए और भी चल दिए, इन्होंने पूरा संतुष्ट जवाब मुझे नहीं दिया तो राशन विभाग को जवाब क्या दिया जाता होगा? अब तक इस मामले पर कोई भी संज्ञान लिया गया है? 7 तारीख से लेकर के आज ये 13 तारीख हो गई और राशन विभाग को पूरा खाद्यान्न अभी तक इनको नहीं उपलब्ध हो पाया है। इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फसल से राशन नहीं मिल पा रहा, इस कारण राशन संपूर्ण राशन देने में देरी हो रही। जी जीवनदीप जी, क्या अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई की गई है? सवाल उठता है मैम कि जब उन्होंने दोनों राशन मिलना है तो जब एक बार का राशन अभी तक नहीं मिल पा रहा तो दूसरी बार का राशन कब तक मिल पाएगा? ऐसे राशन प्रभावित होता है और पब्लिक आम जनता जो है राशन लेने के वंचित रह जाती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मथुरा से आपको एक खबर बता रहे थे जहाँ पर राशन डीलर जो है इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आरएफसी गोदाम में एसएमआई की मनमानी देखने को मिल रही है। वहीं आगामी चुनावों के मद्देनजर रायबरेली में आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही जो है वो देखने को मिल रही है। अवैध शराब को लेकर थाना भदोखर में रैली, विभिन्न गाँव के नाले के किनारे खेतों में व सरपत के जंगलों में दबिश दी गई है और आबकारी विभाग को इसी कार्यवाही में सफलता भी हाथ लगी है। दबिश के दौरान लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब और 900 किलोग्राम महुआ और लहन जो है वो बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। इसी के साथ 4 लोगों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया है। आज क्या कार्रवाई की गई? विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी रायबरेली पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीमों द्वारा जगह जगह दबिश की कार्रवाई की जा रही है। उसके अनुक्रम में आज थाना भदोखर के ग्राम हरवंश खेड़ा, कल रैली कल्याणपुर, शाहपुर में दबिश की कार्रवाई की गई। नाले के किनारे 2 अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। कुल मिलाकर के लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया और मौके पर 900 किलोग्राम महुआ लहन नष्ट किया गया और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार निरंतर जारी रहेगी। आबकारी विभाग बिल्कुल चुनाव को देखते हुए कच्ची शराब, अवैध शराब परिवहन कर रहे होटल, ढाबों आदि की चेकिंग की कार्रवाई निरंतर कर रहा है और इस पर पूर्ण नियंत्रण किया जाएगा। वही सोनभद्र के रेणुकूट में आचार संहिता को लेकर क्षेत्राधिकारी समेत संघ पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च के दौरान नगरवासियों से चुनाव में वोट देने और आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं पिपरी क्षेत्राधिकारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वही सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक और महापुलिस अधीक्षक जो है उनके राज्यपाल को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। दरअसल सम्मानित पत्रकार को कचहरी परिसर में दरोगा ब्रजेश जी की तरफ से बेइज्जत करने और थाने में जबरन बिठाने के संदर्भ में प्रताड़ित किया गया, जिसमें पत्रकारिता के बारे में अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। जब नगर के पत्रकारों को इसकी जानकारी हुई तो प्रार्थी को न्याय दिलाने के लिए जिले के सारे पत्रकार एक साथ हो गए, जिससे कि प्रार्थी जो है वो निर्भीक होकर अपने पत्रकारिता कर सके। वहीं दरोगा ब्रजेश ने इस मामले पर निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
नमस्ते, मैं मनोज सिंह राणा, जिला संवाददाता सोनभद्र। दिनांक 10/1/2022 को शाम 4:45 पे मैं रॉबर्टगंज कचहरी से लौट के आ रहा था। एक मनबड़न महिला जो पहले से ही कचहरी मेरा आने का इंतजार कर रही थी, वह कई मामलों में हीरोइन नशा के मामले में वो जेल जा चुकी थी। वह एकाएक आई मेरी गाड़ी के आगे, मेरी बाइक की चाबी निकाल दी, उसके मैं उससे उसके एंटीबायोटिक से मैं घबरा के तुरंत 112 पे कॉल किया। मैंने सारी घटना से 112 में अवगत कराया। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पर उम्भा में नरसंहार होने के बाद कांग्रेस के ओबरा विधानसभा 402 से रामराज सिंह गोंड को प्रत्याशी जो है बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस ने पहली बार 125 लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये पहली सूची जारी की है। सोनभद्र उम्भा का आदिवासी प्रत्याशी बनाया गया है। रामराज गोंड आदिवासियों को का दबंग नरसंहार किया है, सत्ता ने उनके साथ न्याय नहीं किया। वही नरसंहार होने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को रास्ते में ही रोका गया था। वही कुशीनगर के कसिया सहपम क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नोडल अधिकारी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान खामियों को दूर करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोडल अधिकारी इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। निरीक्षण के दौरान ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। इमरजेंसी और जनरल वार्ड समेत अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहपा में ये पूरी जो है वो निरीक्षण किया गया था। वार्ड निरीक्षण में वेंटिलेटर ना होने से सीएमओ को तत्काल उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी कमियों को दूर करने के भी निर्देश जारी किए गए। वहीं महाराजगंज में सदर पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर ने प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम के साथ अवैध हथियारों के साथ 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिरों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। हिरासत में आए शातिरों पर पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कोतवाली पुलिस द्वारा 3 शातिर बदमाश जो कि दुकानों की शटर तोड़कर चोरी आदि का काम करते थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 पिस्टल देसी हैं 32 बोर की मिली हैं और एक 315 बोर का तमंचा मिला है। पिस्टल के बारे में इन्होंने बताया है कि ये मुंगेर से खरीद के 35-40 हज़ार रुपये में लाते थे और आगे ये बेचने का भी काम करते थे। कुछ अन्य लाभ भी इसमें प्रकाश में आए हैं जिनकी हम आगे गिरफ्तारी करेंगे। विषयों का आतंक दिखाई दे रहा है, जबकि ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को गौशाला में गौवंशों को रखने की जिम्मेदारी मिली है। बावजूद इसके किसानों के आवारा गौवंशों का जो आतंक है वो दिखाई दे रहा है। किसानों के खेत में घूम घूम कर गौवंश मेहनत से लगाए गए फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि फसलों के बर्बाद होने में और आवारा गौवंशों के खुले घूमने में सबसे बड़ी लापरवाही जो है ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम प्रधान की है। वहीं खेतों में छुट्टा गौवंशों के निकलने के लिए लाठी डंडों से किसान जो है वो जानवरों को बाहर निकालने को मजबूर है। अब आखिरकार छुट्टा मवेशियों की वजह से किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताने वाला भी कोई नहीं है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाना नारथी के कायथा चौकी में शराब के नशे में 2 दरोगा ने जमकर हंगामा काटा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों को देखकर नशेड़ी दरोगा गाड़ी पंचायत घर पर ही छोड़कर भाग निकला। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक गांव के ही युवक को दरोगा जबरन गाड़ी में भरकर ले जा रहा था, जिसका विरोध करने पर दरोगा ने ग्रामीणों के साथ अभद्रता भी की।
वहीं फरीदाबाद के स्लम एरिया में रहने वाले कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके चलते उनको वैक्सीन लगवाने में रुकावट आ रही है। ये वे लोग हैं जो कॉलोनियों और सेक्टर में जाकर सामान बेचते हैं और कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। जो लोग अलग अलग इलाकों में जाकर काम करते हैं और आधार कार्ड न बनने के कारण इनका वैक्सीन भी अभी उनको नहीं लग पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक राठौड़। राठौड़ वैक्सीन लग गई है क्या? नहीं लगी है। नहीं लगी है? नहीं लगी। आधार कार्ड नहीं है ना भैया मेरा? आधार कार्ड नहीं? आधार कार्ड नहीं नहीं भैया, मम्मी पापा का आधार कार्ड है। मैं सोच रहा हूँ उसके जोरे से बनवा के मेरा आधार कार्ड है, तो मैं इंजेक्शन जाके लगवा दूंगा। गया था मैंने तो लगाया नहीं, तो मेरे को बोलने लगा आधार कार्ड लिया। पैसे मांग रहे भैया? आधार कार्ड लिया ऐसे बोलने लगे। आधार कार्ड बनाने के लिए? आधार कार्ड होगा तो मेरा फ्री सेवा हो जाएगी, लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो मैं कहाँ से लगवाऊंगा? क्या काम करते हो? कप गिलास क्रोकरी का काम करता हूँ, टब बाल्टी बेच लेता हूँ, क्रोकरी का काम कर लेता हूँ। गलियों गलियों में घूमना मेरा काम है, सेक्टरों में घूमने का मेरा काम है भैया। अब गरीब आदमियों को भाई आधार कार्ड नहीं बनेगा, और आधार कार्ड बनेगा तो जब खुद जाके लगवा देगा टीका। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना तेगांव के क्षेत्र में हुए डकैती के मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी के खिलाफ दिल्ली में दर्ज 20 मुकदमे हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को रिमांड में लेकर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया है। पुलिस अब आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बल की ओर से अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब और हजारों लीटर लहन को नष्ट किया गया। वहीं 14 धधकती भट्टियों को भी तोड़ा गया है। पुलिस के इस अभियान से शराब बनाने वाले क्षेत्र में दहशत का माहौल है। यह अभियान क्षेत्राधिकारी श्रेयस के नेतृत्व में थाना रामपुर कारखाना तरकुलवा पुलिस के संयुक्त टीम के साथ छापेमारी की गई है, जहाँ भेसही में छोटी गंडक के नदी के किनारे अवैध शराब के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और 10,000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया है। अवैध शराब निष्कर्षण के विरुद्ध एक बड़ा अभियान जनपद देवरिया और जनपद कुशीनगर की पुलिस द्वारा किया गया है, जिसके तहत हेतिमपुर और उसके आसपास के जंगलों में करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बृहद कार्यक्रम चला करके एक तरफ से देवरिया की पुलिस और दूसरी तरफ से कुशीनगर की पुलिस ने रेड की कार्रवाई की है, जिसमें हजारों कुंटल लहन नष्ट की गई है, शराब नष्ट की गई है और नदी के बीच से नदी में गड्ढा खोद करके उसमें शराब छिपाई गई थी बरामद की गई है, और एक व्यापक कार्रवाई हुई है। हमारे जनपद से ADM साहब, एडिशनल SP, SDM साहब, CO साहब, 2 कंपनी SSB और 6 थानों का फोर्स उनके थाना अध्यक्षों के भेजा गया था, और इसी प्रकार कुशीनगर की तरफ से भी SSB और वहां के अधिकारीगण तथा कई थानों का फोर्स, दोनों ने ये समवेत कार्रवाई की है। इससे उम्मीद है कि उस क्षेत्र में जो जंगली इलाका है वहां अवैध शराब का जो निष्कर्षण पूर्व में हुआ है या जो हो रहा था, इस पर पूर्णतया। देवरिया जिले के साइबर सेल की टीम ने लगभग 15 लाख कीमत के 108 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल फोन मिलने से जो खोई हुई उम्मीद थी लोगों को, वो वापस मिल गई है। आपको बता दें कि मोबाइल वापस पाने के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीप्रति मिश्रा ने बताया कि साइबर सेल की टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगभग 15 लाख की कीमत के 108 खोए हुए मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं। साइबर सेल देवरिया ने प्रयास करके जनपद में गुम हुए 108 मोबाइल जो डिफरेंट मेक के हैं, ये लगभग 10 लाख की रिकवरी है। 108 मोबाइल बरामद किया है पूरी टीम ने। पूरी टीम को इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 10,000 रुपये नकद पुरस्कार की मैंने घोषणा किया है, और इनसे उम्मीद है कि और जिनकी मोबाइलें गुम हैं वो भी ये टीम शीघ्र बरामद करके उनके भी मुरझाए चेहरों पे खुशी लौटाएगी।
अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सीएमओ विनय कुमार का कहना है कि कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन में ही कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। सीएमओ ने आमजन से कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने की भी अपील की है। सभी सीएचसी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, सभी ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना मरीजों पर समिति जो है वो लगातार निगरानी भी रखे हुए है। सर, लगातार कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आप जैसे देख रहे हैं कि लगभग पिछले 10-12 दिन से कोविड के केसेस पूरे स्टेट में और उसी तरह हमारे जनपद में भी लगातार बढ़ रहे हैं, और इसको रोकथाम के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट वेव में या खासतौर से सेकेंड वेव में जिस तरह से रोगी निकल रहे थे और वो काफ़ी उनकी स्थिति गंभीर हो रही थी और अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे, इस बार हम देखें तो केसेस तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी गंभीरता उतनी नहीं है। अस्पतालों में भर्ती होने की जो नौबत है बहुत कम मरीजों की आ रही है, और ऑक्सीजन पे तो और नाम मात्र के एक दो मरीज ही हैं जो हमारे जनपद में हैं, जो कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। अगर कल तक का आंकड़ा देखें तो हमारे 807 के करीब एक्टिव केस थे, उनमें से अधिकतर होम आइसोलेटेड थे। 13 मरीज जरूर हमारे दूसरे जनपदों में भर्ती हैं और 11 मरीज हमारे जनपद में, लेकिन ऑक्सीजन पर सिर्फ एक एक मरीज है, एक जनपद हमारे जनपद में है और एक जनपद से बाहर। अगली खबर बदायूं से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। बूथों का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की गई और सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। जिलाधिकारी महोदया दीपा रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण सिंह चौहान के साथ कई अधिकारियों की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और जनपदीय पुलिस बल के साथ थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति मत स्थल तक भ्रमण भी किया गया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।